Hi Toral, welcome to telechecker.com. Thank you so much. So after a long gap, we will see you back on TV. So what made you to choose Sai, Mere Sai? Because I have never attempted this kind of role. It's a devotional show, it's a realistic character and a very strong and positive character hai. Aur, yeah, that's about it. I think something, matlab wo ek inner wo voice hoti hai ki, you know, as an actor you feel ki, acha ye karna hai. So this was one of that character where I felt that I should do this role. Tell us a little bit about your character, something that you know you found interesting about the role. सबसे बड़ी बात कि जैसे साई हुए हैं तो वैसे ही ये कैरेक्टर उनकी ज़िंदगी में था. मतलब बाइज़ा इज़ अ रियल कैरेक्टर और साई जो है वो उनके अपने बेटे नहीं थे. मतलब ही वाज़ नॉट अ बायोलॉजिकल सन बट स्टिल हाउ शी टुक केयर ऑफ हिम एंड जो एक अपना बच्चा होता है उस तरीके का प्यार हमेशा बाइज़ा ने साई के प्रति दिखाया और वो बहुत बड़ी एक बात है. और दैट इज़ लाइक 100 years बैक जो उनका एक बॉन्ड था तो बहुत स्पेशल था बाइज़ा एंड साई का. तो हालांकि मैंने खुद इतना इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा नहीं था, रिसर्च इतना मुझे कहीं पे इतना मिला नहीं, बट वट एवर क्रिएटिव टीम हैज़ डन, मैंने उसी को अडॉप्ट करते हुए और उसी के थ्रू मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम इस बॉन्ड को मतलब स्पेशल करें और यू नो दिखाएं. आफ्टर बालिका वधु वाज इट योर कॉन्शियस डिसीजन टू नॉट पिक अप एनी डेरी सोप एंड समथिंग अप फॉर समथिंग लाइक दिस? नॉट रियली, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. But I guess I wanted to take a break also after Balika because I did Balika for almost 3-3.5 years. So as an actor, you need to get out of something to get into something. So and I wanted to travel and then I started doing a play. So I think aisa koi conscious decision nahi tha, but whatever offers I was getting, this was the best role I could choose. So as a viewer, kabhi aapne Mere Sai kabhi follow kiya hai, matlab in the show, Sai Baba pe show koi? नहीं, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जब सुधीर जी वाला शो आया था तो बहुत मतलब हम भी छोटे थे तब, तो इतना हमें भी याद नहीं है कि हमने क्या देखा है. तो अभी की जनरेशन के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि उन्होंने ये ऐसा मतलब शो देखा नहीं होगा और या तो बहुत पहले देखा होगा. तो जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो मतलब जो एक नॉर्मल उनकी जो टाइमलेस और यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं तो वो बहुत ही काम आएगी लोगों को अपनी आम जिंदगियों में. उसका इस्तेमाल करके जो नॉर्मल डे टू डे बेसिस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो वही इस शो का उद्देश्य है, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टीचिंग्स को दर्शकों के सामने लाया जाए और एक यू नो थोड़ा सा उनको हौसला मिलेगा. तो आई फील दिस इज़ द बेस्ट टाइम एज उनकी 100 years कम्प्लीट हो रहे हैं साई बाबा की समाधि को. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट दिस शो ऑन TV. रियल लाइफ की बात की जाए तो हाउ डू यू लुक अप टू द लाइफ एंड कौन से प्रिंसिपल्स आप लाइफ में फॉलो करते हैं? मैं मतलब बहुत पेशेंस है मुझ में एज अ पर्सन. पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और वो बहुत वैसे ही हुआ करती थी, मतलब हाइपर और ऐसे. अब नाउ आई फील विथ टाइम विथ एक्सपीरियंस यू बिकम यू नो पेशेंट ऑल्सो. सो और मेरे मतलब मैं बहुत अपफ्रंट हूँ चीज़ों को लेके और कुछ अगर पसंद नहीं आता है तो मैं बोल देती हूँ, या तो मैं कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट बोलती हूँ. तो या दैट्स अबाउट इट. सो आफ्टर बालिका वधु नाउ दिस शो, पर आपको और कौन से टाइप के रोल्स और जॉनर्स एक्सपेरिमेंट करने हैं? आई वुड लव टू ट्राई कॉमेडी ऑन TV, जबकि मैं चाहती थी कि ऐसा कोई कैरेक्टर मिले TV पे करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो मैं वो स्टेज पे कर रही हूँ तो एज एन एक्टर एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप कुछ डिफरेंट करते हैं. तो आई थिंक देखते हैं अभी आगे, अभी तो बहुत टाइम है. सर, आपको कभी कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है? आई मीन यू नो यू आर कोई पार्टी ज़्यादा आप अटेंड नहीं करते हो, तो ये मतलब इसका एनी स्पेसिफिक रीज़न आफ्टर इट? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मैं शुरू से ऐसी ही हूँ. मतलब मुझे ज़्यादा सोशलाइजिंग करना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ. तो मेरे कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के और ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हैं वो नॉन इंडस्ट्री के हैं. और वेन एवर आई एम नॉट वर्किंग आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. सो वो एक बेसिक शुरू से वैसे ही रहा है. जब कॉलेज डेज में भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, सब क्लासेस हो गए हैं, तो आई यूज़ टू कम बैक होम. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स माई कॉन्शियस डिसीजन टू बी अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज और एनीथिंग एज सच.
और कॉन्ट्रोवर्सीज कोई जानबूझ के तो मुझे नहीं लगता करता है, वो हो जाती हैं लोगों के साथ. बट आर यू ओपिनिएटिव इन द सेंस, जैसे देयर इज द करंट ट्रेंड अबाउट ट्वीटिंग समथिंग ऑन अ करंट इश्यूज, सो वो चीज़ आप नहीं कर? बिल्कुल नहीं करती. मतलब मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना व्यू होता है और हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, तो कौन ये कहना कि वो गलत है और मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ वो क्यों सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, सब अपनी अपनी जो भी ओपिनियन है वो उनको पूरा हक है देने का. पर यही है कि मैं ट्विटर पे तो हूँ ही नहीं सबसे पहली बात, तो मैं बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से. और बस अपनी एक छोटी सी दुनिया है, सेट और घर बस. रियल लाइफ की बात की जाए तो हाउ आर यू इन रियल लाइफ, व्हाट डू यू लाइक टू डू, हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ? आई लाइक टू गो आउट फॉर मूवीज़, आई गो एंड आई लाइक गोइंग फॉर शॉपिंग. जैसे हर लड़की का शौक होता है कि अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही. या तो फिर मैं मतलब छोटे से वेकेशन के लिए जाना मुझे अच्छा लगता है कि 2-3 दिन के लिए कहीं चले गए. या फिर आजकल तो मैं ज़्यादा टाइम अपने भाई की बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ, शी इज़ जस्ट 3 ईयर्स ओल्ड. सो एक होता है ना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप टेंशन में है तो वो भी चली जाती है जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो. एनी प्लान्स ऑफ गेटिंग सेटल्ड इन लाइफ? Let's cut it out here. And any your take on reality shows? Do you see yourself participating in reality shows? I would love to do a dance reality show because I am a classical dancer and पर अब तक वो भी मौका, जैसे कि मैंने कहा कि आया नहीं है, तो definitely अगर आगे चल के कुछ ऐसा आता है तो why not? I like dancing. So lastly, help us with 3 reasons why people should look forward to this show. 3 reasons. बहुत पूछ लिया. फर्स्टली कि जैसे मैंने कहा कि द शो इज़ लाइक समथिंग ऑन साईं बाबा इज़ कमिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा कि लोगों को पता भी चलेगा. सेकेंडली जो उनकी टीचिंग्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, बट अगर आप उनको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना शुरू कर दें तो बहुत आसान हो जाएगी. और थर्डली जो सेटअप है वो बहुत रियल रियलिस्टिक है, तो और जो सबके गेटअप हैं, लुक्स हैं, वो भी काफ़ी रियल लगते हैं. तो चेंज ओवर होगा एक लोगों के लिए भी, क्योंकि या तो आप फिक्शन शोज़ देखते हैं या तो आप माइथोलॉजिकल शोज़ देखते हैं, सो दिस शो इज़ समवेयर बिटवीन फिक्शन एंड माइथोलॉजिकल शोज़. तो एज आई सेड, इट्स अ डिवोशनल कॉन्सेप्ट, डिवोशनल शो. और बस हो गया 3 reasons. Thank you so much. Any message that you have for your fans and for the viewers of Mere Sai? Yes, definitely. I'm coming back on TV after a gap of 1-1.5 years. So जितना प्यार और सपोर्ट आप करते आ रहे हैं उतना ही करते रहिए हमेशा. तो हम 25 सितंबर से आ रहे हैं आपके सामने ऑन सोनी एट 7:30 PM लेकर मेरे साई श्रद्धा और सबूरी. हाई, दिस इज़ तोरल राजपुत्रा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन telechakkar.com एंड डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल. थैंक यू.